राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला रामपुर का वार्षिक समारोह रामपुर के पदम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस समारोह में रामपुर के विधायक नंदलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान नन्हे बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों एवं अभिभावकों का खूब मनोरंजन किया। इससे पूर्व स्कूल प्रबंधन ने वार्षिक परीक्षा परिणाम भी घोषित किए। परिणामों की घोषणा के बाद वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विधायक नंदलाल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है। विधायक ने कहा इससे छात्रों को प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। इस दौरान केंद्र मुख्य अध्यापिका सरोज मेहता ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि रामपुर केंद्र प्राथमिक पाठशाला छात्रों ने एनरोलमेंट में प्रदेश के प्रमुख स्कूलों में से एक है। इस स्कूल में लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि आज 31 तारीख है, लास्ट डे है वर्किंग डे, हमारा रिजल्ट आउट होता है। रिजल्ट आउट होने के साथ साथ हमने सोचा है कि हम एनुअल फंक्शन भी करा दें, तो हमारा एनुअल फंक्शन भी हो रहा है। थोड़ी ही समय में हमें मुख्य अतिथि को हमने बुलाया है, बेचारे इन्होंने हाँ करी है, तो ऐसे जैसे भी हो पाया है हम तैयारी कर रहे हैं और 600 बच्चे मेरे पाठशाला में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।